अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? सब उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ईद स्पेशल सीरीज़ में रेसिपी नंबर 3, जो कि है कीमा। चलें जी हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट्स हमारे रिक्वायर हैं उसमें लहसुन 2 गड्डियाँ हैं, जिसमें 20 क्लोव्स तकरीबन होंगे, 20 से 25। फिर टमाटोज़ हैं हमारे पास 2 अदद। उसके बाद ग्रीन चिलीज़ हैं 5 से 6। फिर 2 से 3 इंच अदरक का टुकड़ा है। याद रखिए जो कीमा होता है उसमें अदरक और लहसुन ज़्यादा डलता है, फिर ही इसका अच्छा सा टेस्ट आता है। फिर उसके बाद कुछ स्पाइसेस हमें रिक्वायर हैं, जिसमें 1 टीस्पून सॉल्ट है, 1 टीस्पून ही रेड चिलीज़ है, 1 टीस्पून ही हल्दी है और 1/2 टीस्पून हमारे पास ब्लैक पेपर है। फिर हमारे पास 1 kg बीफ का कीमा है, इसको हमने अच्छे तरीके से वॉश करके इसको छलने में डाल लीजिए ताकि इसका पानी निकल जाए। फिर हमारे पास हैं 2 से 3 प्याज। फिर हमारे पास कुछ मसाले हैं, जिसमें 2 सिनेमन स्टिक्स हैं, 9 से 10 काली मिर्चें हैं, ज़ीरा है 1/2 टीस्पून के बराबर और 4 से 5 लौंग हैं। इन सबको मैंने स्क्रीन पे भी मेंशन कर दिया है, आप वहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन मसालों को कब और कैसे ऐड किया जाता है ये मैं आप लोगों के साथ आगे वीडियो में शेयर करूँगी। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपका कोई भी स्टेप मिस ना हो और आपका बहुत ही अच्छा सा कीमा बन के रेडी हो। तो सबसे पहले हमने कीमा ऐड कर दिया एक कढ़ाई में। फिर इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे, प्याज भी ऐड हो चुके हैं। फिर टोमेटोज़ को ऐड कर देंगे। फिर जो स्पाइसेस हमारे पास थे ना वो ऐड कर लिए इसमें हमने। सिनेमन स्टिक्स जो थी वो भी ऐड कर ली। पानी ऐड कर लिया तकरीबन 1.5 ग्लास और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। कवर करने के बाद हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए पकाएंगे। यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं और हमारा कीमा अच्छे से गल चुका है। अब जो पानी इसमें है वो इसको हम कवर उतार के इस तरह से हाई फ्लेम पे ड्राई कर लेंगे इसको अच्छे से। और ये इसमें प्याज और टमाटोज़ वगैरह सब कुछ अच्छे से गल चुका है। फिर इसमें हमने अदरक लहसुन और मिर्चों का पेस्ट बना लिया, वो भी इसमें ऐड कर लिया। इसको डाल के अच्छे से इसको भूनेंगे यहाँ पे। यहाँ पे कीमे का सारा पानी ड्राई हो चुका है, जो आपको प्याज वगैरह नज़र आ रहे हैं, जब हम इसको ऑयल डाल के भूनेंगे तो ये अच्छे से भुन जाएंगे, इसकी आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। अब बारी है इसमें ऑयल डालने की, तो आपने पूरा 1 कप भर के इसमें ऑयल डालना है। ऑयल भी इसमें ज़्यादा ही जाता है कीमे में, फिर ये अच्छे तरीके से भुनता है और इसका बहुत ही अच्छा सा टेस्ट होता है। याद रखिए अदरक लहसुन और ऑयल को आपने कीमे में हमेशा ज़्यादा ही डालना होता है। अब हम इसको डाल के अच्छे तरीके से भूनते जाएंगे। इसी दौरान जो हमारे पास मसाला था इसको हम अच्छे से पीस लेंगे। इसमें से सिर्फ हमने सिनेमन स्टिक्स को पहले ऐड किया है और बाकी मसाले को अच्छे तरीके से हम पीस लेंगे, साथ साथ कीमा भूनते जाएंगे। इस पॉइंट पे हमने सिनेमन स्टिक्स को रिमूव कर दिया है। तो यहाँ पे कीमा तकरीबन अच्छे तरीके से भून चुका है और इसने ऑयल भी छोड़ दिया है और ये देखिए सारा कुछ इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है और बहुत ही मज़ेदार सा कीमा बन के हमारा रेडी है। एट दी एंड हम इसमें 2 से 3 ग्रीन चिलीज़ को इस तरह से काट के ऐड कर देंगे। और जी यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही टेस्टी सा कीमा बन के बिल्कुल रेडी है और इसका भूनकर कितना प्यारा सा कलर आ चुका है कि देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। एट दी एंड हम इसमें पिसा हुआ मसाला ऐड करेंगे, जो हमने खुद से पिसा है, फ्रेश पिसा हुआ मसाला जो होता है, इसका अच्छा सा एरोमा कीमे में आ जाएगा और बहुत ही मज़ेदार सा कीमा रेडी है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। जी तो देखिए माशाल्लाह से कितना मज़ेदार सा हमारा कीमा बिल्कुल रेडी है। सो इस बकरीद ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ फीडबैक शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। आऊँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।